दोस्तों, धरती का 70% हिस्सा पानी से भरा हुआ है, पर आज तक हम महासागरों का सिर्फ 5% हिस्सा ही खोज पाए हैं। यानी कि धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहस्यमय और अद्भुत चीजों से भरा हुआ है जो अभी भी खोजी जानी बाकी हैं। आइए जानते हैं 5 ऐसे ही अद्भुत चीजों के बारे में जिन्हें पानी के अंदर खोजा गया है। नंबर 1, धरती की नींव। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि धरती के महाद्वीप एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, जिसका कारण होती है टेक्टोनिक प्लेट्स, जो एक महाद्वीप की धरती पर जड़ समान होती हैं। ये प्लेट्स हर वक्त हिलती रहती हैं और अपनी जगह बदलती रहती हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा महाद्वीप अपनी जगह से कुछ न कुछ इंच खिसक जाता है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स धरती पर आने वाले भूकंप का भी जिम्मेदार होती हैं। वैसे तो ये प्लेट जमीन के बहुत अंदर होती हैं, पर हाल ही में आइसलैंड के पास 2 ऐसी ही प्लेट्स का ढूंढा गया है जिनसे हम धरती पर होने वाले बदलावों का सही अनुमान लगा सकेंगे। नंबर 2, समुद्र की गहराइयों में बहती नदियां और झरने। अटलांटिक महासागर में स्थित ब्लैक सी समुद्र की गहराइयों में नदियां, झरने और पेड़ पौधे भी मौजूद हैं। ऐसा इसलिए संभव होता है क्योंकि समुद्र की गहराइयों में नदियों और झरनों के आसपास का पानी ज्यादा नमकीन होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा गाढ़ा होता है और इसीलिए कम गाढ़ा पानी नदियों और झरनों की तरह बहने लगता है। नंबर 3, द ग्रेट ब्लू होल। बेलिस शहर के किनारों के पास मौजूद ये समुद्री गड्ढा जमीन के धंसने से बना है। लाखों साल पहले बना ये गोलनुमा गड्ढा अब टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है और कई गोताखोर इसकी गहराइयों में जाने के लिए हर साल यहाँ आते हैं, जबकि 410 फीट गहरा ये गड्ढा कई लोगों की जान ले चुका है और साथ ही साथ इसमें गोताखोरी करना बहुत ही खतरनाक माना जाता है। समुद्र के अंदर अभी भी ऐसी कई रहस्यमयी चीजें छुपी हुई हैं जिन्हें आज नहीं तो कल ढूंढ ही लिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। साथ ही साथ ऐसे और अद्भुत वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।